is never out of reach. Assalamualaikum, मैं हूं फैसल लतर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज हम बात करेंगे इंडिया इंग्लैंड चौथे टेस्ट की, जो आसानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ इंडिया ने ये मैच जीत लिया। और इस सीरीज में जो फाइटिंग स्पिरिट और जो कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है वो बहुत खूबसूरत है और देखने वालों के लिए भरपूर है। इसमें सब कुछ इसमें मौजूद है, फाइटिंग भी है, सस्पेंस भी है, पता नहीं चल रहा कि कौन मैच ये जीतेगा, ये सीरीज कौन जीतेगा। लेकिन इंडिया एक दफ़ा फिर चौथे टेस्ट में जब इनिंग शुरू हुई तो अंडर प्रेशर हुई, क्योंकि प्रेशर पिछले मैच से उन पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड पिछला मैच बहुत अच्छा मैच जीत चुकी थी। और जब ये मैच शुरू हुआ, इनिंग शुरू हुई, तो इंडिया इंग्लैंड के बॉलर्स ने एक दफ़ा फिर इंडियन बैटिंग लाइन को अंडर प्रेशर किया और बहुत जल्दी उनको उड़ा दिया। लेकिन इंडिया की जो लोअर ऑर्डर है उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और एक रिस्पेक्टेबल टोटल 191 का बना दिया। अब जब बैटिंग शुरू हुई, जब ग्रिप उनके हाथ में ही थी इंग्लैंड की, तो जब बैटिंग शुरू हुई इंग्लैंड की, तो ये कंटिन्यू जो सिनेरियो उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था वो कंटिन्यू किया और इनिंग का स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया, कोई विकेट नहीं गवाई पहले दूसरे दिन भी, और तकरीबन 290 रन्स जोड़ दिए और इंडिया को एक दफ़ा फिर प्रेशर में डाल दिया। 100 रन्स की तकरीबन इनिंग लीड हासिल की। लेकिन इंडियन बैटिंग जो अपनी बैटिंग पे मशहूर है और जिस तरह के उनके पास एक्सपीरियंस है और जो रिकॉर्ड्स इंडियन बैट्समैन के पास मौजूद हैं, उन्होंने वो शो किया, बाउंस बैक किया और बेहतरीन सेकंड इनिंग में जो रिस्पांस किया वो काबिले दीद था। वहाँ पे आपके रोहित शर्मा जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, इतना खूबसूरत बैटिंग, जो बैलेंस उनका है, जो बैट फ्लो उनका है, और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि और करते भी हैं लोग कि वो जिस तरह बैटिंग करते हैं लंबे रन्स भी कर सकते हैं, और एबिलिटीज़ इंडियन बैटिंग लाइन में पूरी मौजूद हैं, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया। चौथे दिन सेकेंड इनिंग में विकेट तकरीबन फ्लैट हो चुका था, थोड़ा सा बैट्समैनों को फेवर दे रहा था और उसको भरपूर यूटिलाइज किया। और एक बहुत बड़ा टारगेट रोहित शर्मा, विराट कोहली, पंत, आगे पुजारा, इन सब ने मिलकर एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल, ऐसा टोटल बनाया जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, 466 रन्स का, और तकरीबन 366 की का टारगेट दिया इंग्लैंड को। ये बात सबको पता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि चौथे दिन जो है आपका रन्स जो है, टारगेट जो है, वो आसान नहीं होता चेज करना। मोर देन 300 रन्स बहुत बड़े रन्स होते हैं। और लेकिन जब स्टार्ट हुआ इंग्लैंड टीम की बैटिंग का, वो बहुत अच्छा था, ओपनर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। चौथे पांचवे दिन जब वेयर एंड टेयर विकेट्स में आ जाता है तो वो एडवांटेज उनको मिला इंडिया को। जतेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैनों को प्रॉब्लम की, वो जो वेयर एंड टेयर था पिच में, जो पैचेस बन गए थे, भरपूर फ़ायदा उठाया उसका। लेकिन इंडिया की बॉलिंग लाइन, यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा बॉलिंग लाइन को भी, बैटिंग तो उनकी थी मशहूर, लेकिन बॉलिंग ने जो रिस्पॉन्स किया, बुमराह जो यॉर्कर्स उन्होंने की, और जिस तरह का फाइट बैक दिखा, खास तौर पर ठाकुर ने जो बैटिंग में जो मोमेंटम शिफ्ट किया, प्रेशर का जो इंग्लैंड का पड़ा वो कंटिन्यू पड़ता चला गया, और बॉलिंग में भी उनको डोमिनेंट किया और दो विकेटें ले उड़े वहाँ से। ये वो वजहें हुई जिस इंडिया इंग्लैंड अपने इंग्लैंड के हाथ से ये मैच निकल गया और इंडिया बासानी तो नहीं कहेंगे लेकिन फाइटिंग के साथ ये मैच जीत गया। अब ये सीरीज 2-1 के साथ सबका हासिल है इंडिया को। देखते हैं कि अगले मैच में क्या इंग्लैंड वापस कमबैक करेगा, क्या वो सीरीज बराबर करने में कामयाब हो सकेगा। आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं, अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा हम कॉमेंट्स बॉक्स में, हम मुंतजर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली ब्रेक में।